हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 158 में बोला गया है, इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज़ अ 10 मीटर डीप। कोई कुआं है हमारा जिसका डायमीटर दे रखा हमें 3.5 मीटर, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, जिसकी हमारी डायमीटर दे दी 3.5 मीटर, उसकी गहराई, ठीक है, ये जो गहराई बोल लो चाहे हाइट बोलो एक ही बात है, 10 मीटर गहराई है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। तो देखो जो ये आपको नजर आ रहा होगा ये वाला पोर्शन जो कि मैं यहाँ पे पेन घुमा रहा हूँ, इसे बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ये निकालना पहला सवाल। दूसरा कि द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग कवर्ड सर्फेस एट द रेट ऑफ ₹40। अगर जो कवर्ड सर्फेस एरिया मैंने निकाला है इसके ऊपर अगर मुझे प्लास्टरिंग करनी हो यानी कि सीमेंट वीमेंट लगा के इसको पक्का करना हो जिसका चार्ज है 1 मीटर का ₹40, तो बताओ टोटल खर्चा क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, कवर्ड सर्फेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं सिलेंड्रिकल वेल जिसका डायमीटर दे रखा हमें कितना 3.5 मीटर, जब भी डायमीटर दे रखा हो डिवाइड कर दो 2 का रेडियस निकल के आ जाएगी। डेसिमल आ रहा है डेसिमल को हटा लेते हैं, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे आ जाएगा 10, 5 7 35 5 2 10, तो ये आ गया मेरा 7/4 मीटर रेडियस आ गई। अब निकालते फर्स्ट पार्ट, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल, कुएं का कवर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2πRh, 2 लिखा मैंने, पाई की वैल्यू गिवन है तो लिख दो, नहीं गिवन है तो 22/7, आर की वैल्यू 7/4 एंड हाइट हमारी कितनी दे रखी है 10, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 1 2 2 2 4, 2 को से काटा कितना आया 11 10 110 मीटर स्क्वेयर, ये इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ गया। अब हमें रेट दे रखा है, रेट ऑफ प्लास्टरिंग ₹40 लगते हैं 1 मीटर स्क्वेयर की, तो टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है, हमें करनी है 110 मीटर पे प्लास्टरिंग, तो 110 को मल्टीप्लाई कर दो 40 के साथ, 11 4 44, 2 0 2 0 पीछे लगा दो, यानी कुल मिला के ₹4,400 का खर्चा आएगा इसके ऊपर प्लास्टरिंग करने का। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 158 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 159। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 159 में बोला गया, 2 हेमिस्फेरिकल बाउल आर फॉर्म्ड बाय कटिंग अ स्फेरिकल बॉल डायमीटर 28 सेंटीमीटर। कोई स्फेरिकल बॉल थी जिसका डायमीटर था 28 सेंटीमीटर, देखो जब भी डायमीटर दे रखो डिवाइड बाय 2 कर दो रेडियस निकल के आ जाती है, 2 का डिवाइड दिया तो रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर, इसको बिल्कुल बीचों बीच में से काट दिया जिसके ये 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड हो गया। कैलकुलेट द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ईच ऑफ हेमिस्फेयर बाउल, हर एक का टोटल सर्फेस एरिया बताना है। देखो ये हमारा था एक स्पेयर, अभी इसका टोटल सर्फेस एरिया होगा 4πR², लेकिन मैंने इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया यानी कि आधा कर दिया, तो जो कलरफुल पार्ट आपको नजर आ रहा है इसका एरिया होगा 2πR², बट ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट भी बन गया, पहले नहीं था लेकिन काटने के बाद बन गया, तो इस सर्कल का एरिया होता है πR², कलरफुल पार्ट होगा 2πR² और इसका पार्ट एरिया होगा πR², तो 1πR² 2πR² दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल इसका सर्फेस एरिया निकल के आ जाएगा 3πR², ठीक है। वैसे अगर इसकी बात की जाए टोटल की तो 4πR² होता, आधा कट कर दिया तो 2 इसका होगा और 1 इसका होगा, टोटल हो जाएगा 3πR², ठीक। रेडियस तो मैं गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखता हूँ मैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर दे रखा था 28, 2 का डिवाइड कर दिया 14 सेंटीमीटर आ गई। अब सरफेस एरिया पूछा गया है, सरफेस एरिया ऑफ द ईच हेमिस्फेरिकल बाउल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कितना एरिया हो जाएगा इसका 3πR², क्योंकि 2 2πR² कलरफुल पार्ट का और इसका सिंगल जो सरफेस बना इसका πR², तो 2 + 1 3πR², 3 का 3 लिया मैंने, पाई की जगह 22/7, आर हमारा कितना दे रखा 14, स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार लिख देंगे, 7 2 14, इसको उससे गुणा किया 66, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, 66 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1848 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये इसका हर एक का एरिया होगा, इतना इसका होगा इतना ही इसका होगा, ये हमें फाइंड करना था। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 159 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।